नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। शीतलहर के चलते इंसान तो क्या भगवानों और जानवरों को भी पहनाए जा रहे हैं गर्म कपड़े ठंड से बचाव के लिए। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन दिल्ली का तापमान गिर रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को काफी मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए कहीं अलाव तो कहीं चाय का सहारा ले रहे हैं। इंसान ठंड से बचाने के लिए सभी भगवान को भी अब गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। मंदिरों में ठंड से बचाने के लिए भगवानों को गर्म कपड़े बनाए गए हैं ताकि उनको ठंड न लगे। वही लोग ठंड से बचने के लिए अलाव चाय पीकर ठंड को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पेशे दिल्ली से राजू तिवारी की एक खास रिपोर्ट। ठंड तो बहुत है सर, बहुत ठंड है। घर से बाहर निकल के आए हैं। तो ये बताओ कि पिछले ठंड कितनी है दिल्ली इस समय? ठंड सर एक हफ्ते से तो ज्यादा बढ़ रही है। कितनी दिक्कत आ रही है आप लोगों? बहुत दिक्कत आ रही है सुबह आने जाने में, काम धंधे में। रात को लेट हो जाओ तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता ठंड में। तो ठंड से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? फिलहाल तो आपके हाथ में देखे सामने, हम चाय का आनंद ले रहे हैं। अभी दिल्ली में आने वाले दिन में और ठंड पड़ेगी तो फिर किस तरह से बचाव करेंगे आप लोग? आग जलाके बचाव करेंगे अपना। आग ही एक साधन रह गया सर, रजाई कंबल साथ दे नहीं रहे हैं। बस यही है सर, एक चाय और एक आग भी सपोर्ट में जी रहे। एक बार सर अपना नाम बताइए। वेदपुरा सेठी। अच्छा सर ये बताइए, आप लोग पार्क में घूमने आए हैं, इस समय ठंड बहुत है, शीतलहर चल रही है दिल्ली में, तो किस तरह से आप आए हैं? ठंड अच्छा लगता है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो ठंड रोक नहीं पाती? नहीं नहीं, अच्छा पर्यटक को लग रहा है हमारे को। तो ठंड से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ना कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठंड भी तो पड़ रही है। ठंडी तो आई है ना? तो ठंडी है ही। ठंडी तो आई है ना। आपने कुछ कहना तो कह दो। मैं तो अपने कुत्ते लाया ना। जानवरों को भी पहना रखा है ना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, इस समय दिल्ली में शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड, आप लोग पार्क में आए हैं तो कितनी ठंड लगती है, कितनी दिक्कतें आती है पार्क में आने पे? इतनी ठंड है जी, सुबह सुबह आजकल तो लेट ही आना पड़ता है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, शीतलहर इतनी चल रही है और सुबह सुबह कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है और शीतलहर का तो है ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल। और ये देखो नहीं, पार्क में जानवरों को भी कपड़े पहना रखे हैं सबको। आदमी जब जानवरों को इतनी ठंड लग रही है तो आदमी का तो क्या होगा, तुम समझ जाओ। ठीक, ये बताना कि ठंड में सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम मंगल सिंह है जी। मंगल जी, आप पिछले कुछ दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़े, कितनी दिक्कतें आती है ठंड के अंदर पार्क में आने में? नहीं देखो जी, ठंड में तो दिक्कत तो आती है क्योंकि एक मौसम गर्मी का होता है, ठंड का होता है और 4-5 दिन से ठंड ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल बदल गया है। पहले 6 बजे आ जाते थे, आजकल 7-7:30 आ रहे हैं। अच्छा, आपके साथ जो डॉग्स है या जानवर है उनको भी आपने गर्म कपड़े पहना रखे हैं सर्दी से? देखो जी, ठंड तो जानवर को भी लगती, इंसान को लगेगी तो जानवर को भी ठंड लगेगी, उनके लिए भी इंतजाम करना पड़ता है, उनके भी कपड़ा। हाँ, पर उनको मास्क नहीं लगवा सकते। ठीक, उनको मास्क नहीं लगवा सकते। हाँ, हमें भी कभी कभार मास्क उतारना पड़ जाता है क्योंकि सांस लेने में हमें भी दिक्कत आ जाती है, चलते फिरते हैं ना तो सांस घुटता है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए हमें भी कभी कभार मास्क उतारना पड़ता है, बाकी मास्क उतारना नहीं चाहिए। ठीक।